हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम्स एंड आफ्टर 58 रूल्स। जो पूरा पेंशन स्कीम्स के जो डिडक्शन है 58 से पहले और 58 के बाद में क्या क्या रूल्स होते हैं डिडक्शंस के और एडमिन चार्जेस के, तो वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा है और आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मिलते हैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो। दोस्तों, इसके रिलेटेड ऑलरेडी एक नया अपडेट आया था और जो अभी एक और लेटेस्ट अपडेट आया है एशियार के रिगार्डिंग, तो वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम्स 1995। इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन जो मेंबर है वो एलिजिबल होगा या नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट आएगा फिर नॉन एलिजिबिलिटी, कि जो मेंबर ज्वाइन होता है वो पेंशन के लिए मेंबर पर बनेगा या नहीं बनेगा। फिर जो हमारा थर्ड लास्ट में सबसे बड़ा ऑप्शन आता है ईपीएस रूल आफ्टर 58। तो स्टार्टिंग के दो ऑप्शन तो आपको पता होगा, क्योंकि जो आप जो इसकी बेसिक वेजेस वगैरह डालते हो तो आपको वो पोर्टल ऑटोमेटिक आपको अलाउ नहीं करता। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी के बारे में। जो भी कोई भी मेंबर अगर वो ज्वाइन होता है 1/14 या 1/14 के बाद में, अगर उसकी बेसिक सैलरी 15,000 या 15,000 से कम है, तो उस केस में वो ईपीएस मेंबर बनेगा। तो इसमें एक कंडीशंस भी है, अगर वो मेंबर ऑलरेडी कहीं पे ज्वाइन हुआ, उसके पहले जब स्टार्टिंग में अगर ज्वाइन हुआ उसकी बेसिक सैलरी 15,000 से कम थी और वो वहाँ से ईपीएस मेंबर है, अगर वो पुरानी अगर कोई कंपनी में दूसरी भी ज्वाइन करता है और वहाँ उसकी बेसिक 15,000 से ज़्यादा हो जाती है, तो भी वो पेंशन मेंबर बना रहेगा। तो पीएफ के अंदर एक रूल्स होता है कि अगर वो ऑलरेडी एक बार जो फर्स्ट टाइम अगर वो पीएफ या पेंशन मेंबर बन गए, तो वो परमानेंट पेंशन मेंबर बना रहेगा जब तक वो अपना पूरा फाइनल विड्रॉल ना कर ले। तो इसमें वो ईपीएस मेंबर बने रहेगा। तो इसमें जो 15,000 या 15,000 से कम है, जो फर्स्ट टाइम है, अगर आप अपना यून क्रिएट करते टाइम उसमें जो ईपीएफ वेजेस मंथली जब डालते हो, अगर वो 15,000 या 15,000 से कम डालोगे तो वो ईपीएस मेंबर बनेगा। अगर वो ईपीएस मेंबर अगर 15,000 से ज़्यादा वहाँ पे आप वेजेस डालते हो, अगर उसका आप फर्स्ट टाइम यून क्रिएट कर रहे हो, तो उस केस में वो ईपीएस नहीं बनेगा। तो इस केस में हमें समझ में आ गया ईपीएस एलिजिबिलिटी और ईपीएस नॉट एलिजिबिलिटी। हमें ईपीएस किसका डिडक्शन करना है और किसका नहीं, ये दो केस है। अगर आप डिडक्शन करते हो तो उस केस में आपको वो जब ईसीआर अपलोड करोगे तो वहाँ पे आपको एरर आ जाएगा कि ये मेंबर है ईपीएस के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ईपीएस वेजेस शुड बी जीरो। तो आपको ईपीएस वेजेस शुड बी जीरो करना पड़ेगा और ईपीएस कंट्रीब्यूशन भी आपको जीरो करना पड़ेगा, और जो बाकी का कंट्रीब्यूशन है वो आपका एम्प्लॉयर ईपीएफ में ऐड हो जाएगा। फिर आता है ईपीएस रूल आफ्टर 58। तो इस केस में आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन डिडक्शन करना भी है और नहीं करना, दोनों केस हैं, तो वो दोनों केस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है डिडक्शंस के बारे में आफ्टर 58 के बारे में। तो सबसे पहला आता है कि अंडर ईपीएस तो पेंशन कंट्रीब्यूशन नॉट टू बी पेड एनी एम्प्लॉय क्रॉस 58 ईयर ऑफ एज इन इज इन सर्विस व्हेन एन ईपीएस पेंशन इज ड्रॉइंग रिड्यूस पेंशन एंड रीजॉइन एज ए एम्प्लॉय। दोस्तों, अगर कोई भी एम्प्लॉय आपके कंपनी में या स्टल फैसिलिटी में काम करता है, अगर वो 58 क्रॉस करते ही उसका पेंशन कंट्रीब्यूशन डिडक्शन नहीं करना। अगर उसमें एक कंडीशन और है, अगर कोई भी मेंबर आपकी कंपनी में रीज्वाइन होता है और उसने ऑलरेडी वो अगर ईपीएस की जो रिड्यूस पेंशन है वो अपनी स्टार्ट कर ली है, तो उस केस में भी उसका पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं कटेगा। तो वो आपको डिक्लेरेशन आपको फॉर्म 11 में ले लेना है कि मैं ईपीएस मेंबर पहले था या नहीं था, तो वो डिक्लेरेशन में आपको लेना है। और उसमें अगर कोई भी अगर आप एक मेंबर है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप रिड्यूस पेंशन ले रहे हैं, मतलब आपको 58 साल से पहले आपने अपनी पेंशन स्टार्ट करवा ली है, तो अगर आप जहाँ भी रिज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे लिखे कि मैं ऑलरेडी पेंशन ले रहा हूँ पीएफ से, तो मेरा पेंशन कंट्रीब्यूशन डिडक्शन ना करे। तो 58 साल के होने के बाद में आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं डिडक्शन होगा। तो ये कंपनी की पॉलिसी करती है, लगभग जो कंपनी है वो 58 में रिटायरमेंट कर देती है, तो उसमें ये केस में ये आपका कुछ होगा नहीं। अगर कुछ कंपनियाँ होती है जो कोई भी एम्प्लॉय है उसको 58 से ज़्यादा भी रूल्स होते हैं, वो उनका जो सर्विस है वो आगे डिफर कर सकती है। तो इस केस में जो डिडक्शन होता है जो टिल 58 का होता है, इसमें दिख रहा है आपको सभी बेसिक वेजेस ईपीएफ वेजेस ईपीएस वेजेस डिलाई वेजेस डले और सभी इसमें पेंशन कंट्रीब्यूशन डिडक्शन हो रखा है। फिर जो वो क्रॉस कर देता है आफ्टर 58 के बाद में जो कैलकुलेशन होगी वो आपकी कैलकुलेशन ऐसी होगी, तो बेसिक वेजेस डली होनी चाहिए, ईपीएफ वेजेस और ईपीएस वेजेस जीरो हो जाएगा, इडले वेजेस आपका 12,000 जो है वो रहेगा सेम टू सेम। तो जो बाकी जो ईपीएस वेजेस है जो कंट्रीब्यूशन डिडक्शन हुआ था 8.33% वो जीरो हो जाएगा। जो जीरो हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो ट्रांसफर है वो एम्प्लॉयर पीएफ में ऐड हो जाएगा, तो वो 1440 रुपये इधर जो आपका ईपीएफ एंड ईपीएस डिफर यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें आपका
ऐड हो जाएगा। तो अगर आपका जो कैलकुलेशन करता हो तो उसमें वो डिफरेंस होता है, ना कि 3.67। 3.67 फॉर्मूला आपका तब तक काम करेगा जब तक कि जो पीएफ मेंबर उसकी ईपीएस वेजेस है वो 15,000 तक, अगर 15,000 से ऊपर हो जाएगा तो 3.67 वाला फार्मूला ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंस रखें ईपीएफ माइनस ईपीएस, तो यहाँ ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन कर लेगा। तो मैंने कैलकुलेशन पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन आफ्टर 58 का रूल्स हो गया। उसके बाद में अगर एक नहीं आता है, अगर ईपीएस वेजेस नहीं कट रहा तो यूटिलाइज वेजेस भी नहीं होना चाहिए, मतलब इटलाइक का जो एडमिन चार्जेस है वो भी नहीं डिडक्शन होना चाहिए, लेकिन ये दोस्तों गलत है। तो इटलाइक कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी पेड इवन इफ मेंबर हैज क्रॉस 58 एज पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टू बी पेड पेबल, दिस इज टू बी पेड एज ए लॉन्ग एज द मेंबर इन सर्विस एंड पी एफ इज बिंग बी पेड। तो दोस्तों इटलाइक जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जब तक पी एफ मेंबर है तब तक आपको वो पे करना है, क्योंकि इटलाइक कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अलग बेनिफिट है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, जो एम्प्लॉय को डेथ होने के बाद में वो जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो 7,00,000 है। तो जो भी पी एफ मेंबर है जब तक पी एफ मेंबर है उसका इटलाइक कॉन्ट्रीब्यूशन भी उस तक कटेगा, लेकिन कुछ केसेस में मैंने देखे अगर वो ईपीएस मेंबर नहीं है तो उसका इटलाइक वेजेस भी आप जीरो कर देते हो, वो गलत है। इटलाइक का वेजेस जब तक डिडक्शन होता रहेगा तब तक वो पीएफ मेंबर है। तो अगर फिर भी इसमें आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, आशा कर उसका रिप्लाई मैं करूँगा, और आप हमारी पर्सनल जो हमारी ऑफिशियल मेल आईडी है उसके थ्रू भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा ईपीएस डिडक्शन का फर्स्ट रूल होगा कि इस के हम डिडक्शन नहीं करना आफ्टर 58 के पहला ये। अगर कोई मेंबर या कंपनी भी उसमें एग्री है तो वो अपना डिफर पेंशन कर सकता है, इन केस यू डिफर द पेंशन ऑफ 4 इयर्स। तो कोई भी मेंबर अगर वो 58 के बाद में भी वो काम करना चाहता है या कंपनी भी उसमें एग्री है तो वो 2 साल तक का अपना पेंशन डिफर कर सकता है, मतलब उसका 2 साल तक और डिडक्शन हो सकता है, 60 साल तक उसकी पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन कर सकते हैं। अगर वो 2 साल तक उसका कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन होता है, मतलब 60 साल तक उसका कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन होता है, तो उस मेंबर को बेनिफिट मिलता है कि वो हर जो 2 साल है उसको हर एडिशनल रेट हो जाएगा वो 4% बढ़ जाएगा, जो भी उसकी पेंशन बनेगी उसकी 2 साल के लिए हर साल के लिए 4% मतलब टोटल 8% उसको पेंशन एक्स्ट्रा मिलेगी। जैसे उसकी पेंशन 58 साल का होता था उसके 3,000 रुपये बनती है, अगर वो 2 साल और काम करता है तो 4% 120, तो 120 हो गए 240 रुपये उसे एक्स्ट्रा मिलेगी, मतलब 3,240 रुपये उसकी एक्स्ट्रा पेंशन लगने वाली, मतलब 240 रुपये का उसको बेनिफिट होने वाला। तो ये एक डिफर्ड पेंशन का भी ऑप्शन है, तो वो 60 ईयर तक उसका पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन हम डिडक्शन कर सकते हैं, अगर वो इम्प्लॉय एग्री है या कंपनी दोनों साथ में, अगर म्यूचुअल एग्री हो तो उस केस में आप डिडक्शन कर सकते हैं। तो ये रूल्स है, ये आप ईपीएस एक्ट में आप पढ़ सकते हैं 7B(a) के अकॉर्डिंग। तो मे बी अलाउड टू डिफर द एज ऑफ ड्रॉइंग पेंशन लेटर देन 58 ईयर्स बट नॉट बियॉन्ड 60 ईयर्स ऑफ एज। तो 60 साल के बाद में हम किसी भी मेंबर का आपको पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन नहीं करना। तो मेरा जो पिछला वीडियो डिस्कस किया था उसमें यही था कि अगर आप कोई भी मेंबर हो अगर 60 साल से अबव हो गए तो वो आपको पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन करने नहीं देगा। तो मैंने ऑलरेडी इस पर पुराने जो पिछला वीडियो था उसमें डिस्कस किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा वीडियो जरूर देखें। तो उसके बाद में हम जो डिस्कस करते हैं, जो अभी नया अपडेट आया ई सी आर में पेंशन के रिगार्डिंग, आप देखोगे पहले जब तक आपने अगस्त तक ई सी आर फाइल की उसमें फर्स्ट पॉइंट था यू एन आर प्रीफिक्स विथ एस्ट्रिक साइन इन केस आधार इज नॉट शेडेड एंड अनवेरीफाइड। तो ये पहला ऑप्शन आपको पहले जितने भी ई सी आर उसमें मिलेगा अगस्त तक की, जब आप अपनी सितंबर की ई सी आर फाइल करोगे तो ई सी आर में सेकेंड ऑप्शन इन्होंने ऐड किया, ई पी एस कॉन्ट्रीब्यूशन रिमिटेड इज प्रीफिक्स विद हैज साइन वेन मेंबर एज इज मोर देन 50 ईयर्स, प्लीज इंश्योर दैट दिस इज केस डिफर्ड पेंशन। तो अगर इसमें आपको अगर कोई भी मेंबर 58 साल का से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे आपको यून के ऊपर हैश का निशान दिखाई देगा, तो वो केस इसमें लिखा कि वो इंश्योर होना चाहिए कि वो एक डिफर्ड पेंशन, ना कि वो एक रिटायरमेंट पेंशन या जो भी है। तो डिफर्ड पेंशन होगा तो वो ओके, अगर नहीं है तो आपको वो चेक करना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये नया अपडेट है। तो इसमें आपको अच्छा, मुझे तो ऐसे में सही अपडेट लग रहा है, क्योंकि आप पहले पता नहीं चलता कि कौन मेंबर वो 58 से अबव है, वो हमें चेक करना पड़ता था अलग से पोर्टल पे जाके, तो अब आसानी से आप चेक कर सकते हो। डिफर्ड पेंशन आपको समझ में आ गई होगी, तो इसमें आपको चेक करते रहना है कि कौन मेंबर 58 साल से होगा, अगर उसे आपको डिफर्ड पेंशन रखनी है या नहीं रखनी। तो आपको इसके लिए डिफर्ड पेंशन अगर वो आप या आप जो मेंबर है वो चाहता है तो आपको एक म्यूचुअल जो है वो एक एप्लीकेशन देगा, उसके थ्रू आप उसे डिफर्ड पेंशन का ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन ये 99% कंपनियां नहीं करती, 58 के बाद में वो
कम उसी मेंबर को रिटायरमेंट का कर देती हैं। तो ये एक एडिशनल पॉइंट था, वो हमने डिस्कस किया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।